एक बार एक नन्ही सी बच्ची अपना छोटा सा खिलौना प्लेन उड़ा रही थी, अचानक उस प्लेन में। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी बनाना चाहते हो इस तरीके की एनिमेशन वीडियो, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। सिर्फ 2 से 4 मिनट लगते हैं यहाँ पर वीडियो बनाने में, और यहाँ पर यूट्यूब पर देखा जाए तो मिलियन ऑफ व्यूज आते हैं ऐसी वीडियो पर। क्योंकि यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो तो बहुत सारे वीडियोज पर व्यूज है, और कितने कितने व्यूज यहाँ पर ये वीडियो ले जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा अर्निंग का स्रोत है। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, मैं पूरा स्टेप बताऊंगा कैसे कैसे हमें ये वीडियो बनानी होती है। तो गाइस, 3D एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है काइनमास्टर ऐप का इस्तेमाल करना होगा। काइनमास्टर ऐप अगर आपके फोन में है तो आप उसका इस्तेमाल करिए, और जिस जो तरीके में बताने वाला जो तरीका वो आपको यहां पर फॉलो करना है। और 3D एनिमेशन में छोटी सी शॉर्ट स्टोरी आपको बनानी है ताकि आपके व्यूअर्स आए, ठीक है। यहां पर व्यूज बहुत मिलते हैं, तो सिंपल पहले स्टेप फॉलो कर लेते हैं क्या क्या हमें क्या किस तरीके से यहां पर इसे हम बनाएंगे। सिंपल, मैंने यहां पर बैकग्राउंड पर सिलेक्ट करा, और यहां पर मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूं। मेरे पास एक बैकग्राउंड आ गया। अब सिंपल मैं इसको जितना भी टाइम में मेरी स्टोरी है मैं उसको इतना लंबा खींच देता हूं, ठीक है। अगर मुझे यहां से मल्टीपल बैकग्राउंड चेंज करनी है तो सिंपल मैं इसको छोटा कर लूंगा और यहां से दूसरा बैकग्राउंड और भी सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ये मेरा एक बैकग्राउंड हो गया। और मुझे अगर इसके अलावा दूसरा बैकग्राउंड लेना तो सिंपल यहां पर डाउनलोड पर जाकर, और यहां पर जो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं बैकग्राउंड वो यहां पर मेरे आगे, ठीक है। तो यहां पर एक टाइम फ्रेम हो गया, और यहां पर हमारी जो स्टोरी हुई यहां पर 12 सेकंड के लगभग यहां पर हमारी स्टोरी हो जाती है, ठीक है। अगर यहां से करेक्टर का टाइम थोड़ा यहां तक अगर बड़ा है तो हम इसे स्क्रॉल करके और बढ़ा लेंगे, बट अगर हमारा इतना ही है तो हम इसको इतना ही रहने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर बात आती है कि हमारा कार्टून करेक्टर है क्या, ठीक है। तो वो हमें अपनी स्टोरी के हिसाब से कार्टून करेक्टर ग्रीन स्किन डाउनलोड करनी है। बहुत सारे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाती है ग्रीन स्किन, तो सिंपल मैंने यहां पर डाउनलोड कर रखा, मैं उसको ले लेता हूं। यहां पर मुझे लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद में यहां पर मीडिया पर क्लिक करना। जैसे मैं मीडिया पर क्लिक करूंगा तो यहां पर मैंने ग्रीन स्किन में 2 कार्टून डाउनलोड कर रखे थे अपनी स्टोरी के हिसाब से, ठीक है। तो सिंपल मैंने इसको जो है अपना एक कार्टून लेना, यानी कि डॉल वाला लेना है। मैंने इसको डॉल को लिया और यहां पर ओके कर दिया। उसके बाद मेरा ये डॉल का ग्रीन स्क्रीन मेरे टोटल ओवरऑल स्क्रीन पर आ गया। अब इसको मुझे जो इसका बैकग्राउंड यानी कि क्रोमा के अब मुझे हटाना है, तो मैं इसको कैसे हटाऊंगा, तो उसके लिए मुझे क्रोमा के यूज करना होगा काइनमास्टर में। इसके बाद इसको इनेबल करना होगा। जैसे मैं इसको इनेबल करूंगा मेरी डॉल बिल्कुल क्लियर हो गई, यानी कि जो मेरा बैकग्राउंड था वो मेरा बैकग्राउंड यहां पर दिखने लगा। अब यहां पर मेरी बैकग्राउंड डॉल है, इसके साथ मुझे म्यूजिक भी मिला है। अगर मैं बनाना चाहूँ और अपने हिसाब से यहाँ पर म्यूजिक करना चाहूँ तो वो अपने हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल मैं इसको प्ले करता हूँ, तो ये देखो ये मेरी डॉल यहाँ पर खेल रही है, ठीक है। यहाँ पर के ग्राउंड में ये डॉल मेरी खेल रही है, ठीक है। तो इसका इतना सीन है। अब इसको सीन काफ़ी बार बार ट्राई करेंगे तो इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी सेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको अगर बताऊँगा। तो मैं इस बैकग्राउंड में मुझे इस बैकग्राउंड में थोड़ा बेहतर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर डॉल खेल रही है तो यहाँ पर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, ठीक है। इसने ये प्लान उड़ाया इसने, ठीक है। इसने जब ये प्लान उड़ाया तो यहाँ से मुझे जो है इसका सीन चेंज करना है, ठीक है। तो यानी कि डॉल भी मुझे चेंज करनी है और ये भी चेंज करना है। तो मुझे यहाँ से कैसे करना है, इसको कम कर देना है, ठीक है, यहाँ तक कम करना है। उसके बाद में इसको इस वाले ग्रीन स्क्रीन को मुझे यहाँ से जो है कट कर देना है, ठीक है। तो ये सारे काम आपको कर लेने, और स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं अभी थोड़ा कम यूज़ कर रहा हूँ और कम तरीके से इसको बना रहा हूँ, तो मैं इसे अच्छी तरीके से जो है नहीं एडजस्ट कर पाऊँगा। तो जैसे भी मैं करता हूँ मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, तो इसको मुझे कट करना है, यानी कि बैकग्राउंड को अपने हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दूसरा कार्टून लेना। तो गाइस, ये जो हमारा पहला सीन जो है ओवरऑल तैयार हो गया। अब यहाँ पर हमें दूसरा सीन लगाना है, यानी कि इसने जो है लड़की ने यहाँ से एक प्लेन उड़ाया, ठीक है। उस प्लेन का बैकग्राउंड हमें ओवरऑल यानी कि प्लेन को उड़ता हुआ देखना है, ठीक है। तो सिंपल हमें यहाँ से लेयर पे जाना है, और यानी कि अपनी स्टोरी के हिसाब से आपको लेना है। बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। सिंपल मीडिया पर जाना, मीडिया पर जाने के बाद फिर से यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेना, और मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा मेरा सीन तैयार कर रहा हूँ मैं, तो अपनी स्टोरी के हिसाब से कर रहा हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मुझे एक कार्टून करेक्टर और लगाना है। सिंपल यहां पर मैंने मीडिया पर गया, उसके बाद में यहां पर मैंने वही कार्टून ले लिया जो मुझे एक मेरे पास ऑलरेडी कार्टून है जो मैंने डाउनलोड किया था। सिंपल इसको मैं जो है क्रोमा के से इसको भी हटा देता हूं, क्योंकि इसका भी ग्रीन स्क्रीन मुझे हटाना है। मैंने इसका हटा दिया। अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और स्टोरी के हिसाब से, क्योंकि ये खेल के हिसाब से रहा। तो यानी कि ये वाला कार्टून यानी कि एक 3D एक चाइल्ड है यहां पर जो खेल रहा है, ठीक है। अब जैसे ये इसको यहां पर खेला है तो इसके बाद यहाँ पर एक हमें एक प्लेन यानी कि एक प्लेन गिरेगा जो लड़की ने उड़ाया था, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस सीखते हैं।
सो अब इसके बाद में हमें आगे स्टोरी बढ़ानी है, तो अगली स्टोरी में यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, तो सिंपल हमें यहाँ पर लाके इसका डायरेक्टली यहाँ से स्क्रीन लेके और यहाँ पर कैप्चर एक क्लिप पे क्लिक कर दिया हमने और सिंपल इसका जो फोटो है हमारा यहाँ पर जो स्क्रीन में आ गया, यानी कि जो अप्सरा को ये जो है बिल्कुल भी अपनी हरकत नहीं दिखाई पाएगा जो भी ये करेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही रहेगा तो अब यहाँ पर हमें तीसरा जो है एक ऐड करना है, यानी कि लड़की ने हमारा प्लेन उड़ाया और यहाँ पर लड़के को यहाँ पर खेल रहा था और डायरेक्टली इसके ऊपर आके गिरा, यानी थोड़ा सा एक इस टाइप का हमें यहाँ पर लेना है, यानी कि ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पर ले सकते हो, सिंपल यहाँ से मैं लेयर पर जाता हूँ और यहाँ पर मैंने एक और डाउनलोड कर रखा है, यानी कि प्लान डाउनलोड कराया, तो सिंपल मैं इसको प्लान को क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर प्लान को क्लिक करूँगा तो सिंपल प्लान का क्रोमा के पहले हटा लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर इसका क्रोमा के हटा लेता हूँ, मैंने यहाँ पर इसका क्रोमा के हटाया। अब इसको यहाँ से हमें पहले इसकी एंट्री लेनी है कि भाई हमें किधर साइड से आना है, तो देखो आने के लिए सिंपल डायरेक्ट मैं मानता हूँ कि यहाँ से अगर मैं इसको इस कोने से लेके आऊँ, जैसे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर स्मॉल कर लेते हैं और स्मॉल करके यहाँ पर एंट्री करते हैं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल जो आपका यहाँ पर काइन मास्टर का मेरा लोगो दिख रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका लोगो नहीं आ सकता, वो आप जैसा भी यूज़ कर रहे हैं। सिंपल मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इधर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारा OM का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इसे ऑप्शन वाले क्लिक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसे आगे करेंगे और यहाँ पर इसको यहाँ से आगे करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसको आगे करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसे हम बढ़ा देंगे, ठीक है, अपने प्लान को आगे कर देंगे। ठीक है, जैसे हम इसे थोड़ा सा आगे करेंगे, थोड़ा सा बड़ा भी करेंगे, क्योंकि जितना आगे आएगा इतना बड़ा भी होगा। सिंपल उसके बाद में यहाँ पर हमें थोड़ा सा और आगे करना, प्लस कर देना, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और आगे करना, ठीक है, इसको फिर से हम थोड़ा आगे करेंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर हमें थोड़ा सा आगे करना और फिर यहाँ पर इसको प्लस कर देना, फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे करना और फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आया करके इसको फिर से प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आया करना और फिर इसको प्लस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि यहाँ से मान लो प्लान आया, लड़की के ऊपर गिरा, ठीक है, अब इसको हमें यहाँ पर क्रश दिखाना है। ठीक है, तो क्रश दिखाने के लिए हम इस प्लान के एनिमेशन को यहीं पे ख़त्म कर देंगे, यानी कि यहाँ से इसको टर्न कर देंगे, इसको यहाँ से टर्न कर देंगे और यहाँ पर एक बम जो हमारा ब्लास्ट का सिस्टम होता है ना, वो यहाँ पर हम ले लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक ब्लास्ट को डाउनलोड कर रखा था, सिंपल उसको यहाँ पर मीडिया पर जाके और उसको ब्लास्ट को हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा डाउनलोड पे यहाँ पर एक ब्लास्ट का ऑप्शन है, सॉरी था हमारा, तो इसको हम ग्रीन स्क्रीन को पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया वहाँ से थोड़ा ब्लास्ट अलग अलग है, तो हमें उस हिसाब से जो है यहाँ पर ब्लास्ट देखना है हमारा है कहाँ। ठीक है, तो जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पूरी स्टोरी कंप्लीट हो गई। अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहें तो अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिख के अपने हिसाब से सारा काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ एक म्यूजिक लगाया है, अगर आप यहाँ चाहो तो आवाज़ भी ला सकते हो अपनी स्टोरी के हिसाब से। यहाँ पर अगर आप साउंड लगाना चाहो हिस्टोरिकल, यानी कि जैसे शॉर्ट वीडियो हम बना रहे हैं तो उस तरीके से लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा आपको लगा के और दिखा देता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली, अब यहाँ पर मैं आपको प्ले करके और दिखा देता हूँ कैसे कैसे। नन्हे बच्चों, जब भी आप ऐसा प्लेन उड़ाया करो तो हमेशा ध्यान से उड़ाया करो, क्योंकि ऐसा अचानक कहीं आपका प्लेन किसी दूसरे ऊपर के ऊपर जाकर ना गिर जाए, उसको चोट लग जाती है। तो यहाँ पर आप इसे बहुत अच्छी तरीके से ऐड करते हो, जितनी आपके अंदर स्किल है इतना आप इसे सीखेंगे, इतना अच्छा से तरीके से इसे एनिमेट कर सकते हो और यहाँ पर 3D वीडियो बनाकर आप कंप्लीट जो है प्रोसेस पूरा करके भाई यहाँ से YouTube पे अपलोड करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट हम हमेशा आपको देते रहते हैं। फिलहाल चलता हूँ, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।